रेलवे सुरक्षा बल की 2 दिवसीय एथलेटिक प्रतियोगिता का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सभी विजेता प्रतिभागियों को अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आरपीएफ का ये कहना है कि सभी को फिट रहने के लिए खेल जरूरी है। मुरादाबाद के रेलवे स्टेडियम में 2 दिवसीय रेलवे सुरक्षा बल की अंतर मंडलीय एथलेटिक प्रतियोगिता का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में उत्तर रेलवे की रेलवे सुरक्षा बल की टीमों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 2 दिवसीय समापन समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अपर मंडल रेल प्रबंधक अश्विनी कुमार ने सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर पूरी प्रतियोगिता में दिल्ली डिवीजन चैंपियन। इस मौके पर कार्यक्रम का संयोजन रेलवे सुरक्षा बल के मुरादाबाद डिवीजन के आयुक्त संदीप राजवंशी द्वारा किया गया। विभिन्न मंडलों से आए एथलीट्स, मीडिया के पसे सज्जन और साथी, खेलों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि खेलों से स्वास्थ्य लाभ होता है। मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य लाभ तो एक छोटा प्रबंध, खेलों का असली रोल होता है कैरेक्टर बिल्डिंग। आपका चरित्र निर्माण अभी हमारे बहुत से साथियों ने मेडल्स प्राप्त किए, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में अव्वल आए, लेकिन मैं उन साथियों को भी याद करना चाहूँगा जिन्होंने उनमें पार्टिसिपेट किया लेकिन कोई उनका स्थान नहीं आया। ये बहुत खेलों की सबसे बड़ी सीख होती है कि हम जीवन में हार को किस तरह से एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप जीवन में हमेशा जीत नहीं सकते। दूसरा, स्पेशली जब रिले रेस के मैंने लोगों को देखा, रिले रेस के एथलीट्स को देखा, तो और ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि आप हमेशा सबसे आगे निकल कर अकेले जीत जाए, जीवन में आप मिलकर काम करके आगे बढ़ते हैं। और जब मैं मिलकर काम करके आगे बढ़ने की बात करता हूँ तो वो हर जगह लागू होती है। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर काम करते हैं, आप अपनी यूनिट में मिलकर काम करते हैं, आप अपने परिवार में मिलकर काम करते हैं, आप अपने मोहल्ले में मिलकर काम करते हैं। अगर आप मिलकर काम न करें या एक दूसरे से मेल मिलाप न करें तो आपका जीवन कितना नीरस और निरर्थक हो जाएगा। तो खेल हमको वो जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो चीज़ें मानव, क्योंकि हमारे लिए केवल हमारा स्वास्थ्य का कुछ नहीं है। सर ये कहते भी हैं कि कोई रोग तो पालो जीने के लिए, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। तो ये जरूरी है कि अगर वो रोग कोई खेल हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपकी स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपकी पैशन, आपकी हॉबी, जिस चीज़ से आप बाकी लोगों से जुड़ेंगे, जिस चीज़ से आप बाकी लोगों से दोस्ती करेंगे, जिस चीज़ को आप एंजॉय करेंगे, उससे आपको स्वास्थ्य लाभ भी होता है, उससे अच्छी कोई स्थिति हो नहीं सकती। तो मैं अपने सभी साथियों से कहूँगा, वैसे तो यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सभी किसी न किसी खेल से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नहीं भी हैं वो भी अपनी कोशिश करें कि वो किसी न किसी खेल से जुड़े। उससे जीवन बहुत सार्थक होता है, बहुत अच्छा होता है, और आपको जो जीने का, जैसे बोलते हैं जॉय लिव, जीवन जीने का आनंद प्राप्त होता है। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई दूंगा। इसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा।